व्यापारियों ने मंडी चौक से अमरोहा गेट चौराहे तक कैंडल मार्च निकालकर जनरल विपिन रावत एवं उनके सहयोगियों को विनम्र श्रद्धांजलि दी। उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के बैनर तले व्यापारी मंडी चौक चौराहे पर एकत्रित हुए। वहां से व्यापारियों ने कैंडल मार्च निकालकर अमरोहा गेट चौराहे पर कैंडल जलाई और जनरल विपिन रावत एवं देश के सच्चे सिपाहियों को श्रद्धांजलि अर्पित की। महानगर अध्यक्ष अजय अग्रवाल ने कहा कि हमारे देश के सैनिक शहीद हुए हैं, इसका हम सभी लोगों को बहुत ज्यादा दुख है। आज जनरल विपिन रावत हमारे बीच नहीं है, हम लोग उनकी यादें कभी भूल नहीं पाएंगे। व्यापार मंडल के प्रदेश मंत्री विपिन गुप्ता ने कहा कि जनरल विपिन रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश होना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हादसा था। ऐसे में सभी व्यापार मंडल के साथ ही उनके परिवार के साथ हैं। कहा कि स्वर्गीय रावत जी ने देश के लिए ऐसे ऐसे कार्य किए हैं कि आज उन्हें विदेशों तक में श्रद्धांजलि दी जा रही है। महानगर उपाध्यक्ष संजय सहगल ने कहा कि व्यापारी हमेशा से अपने शहीदों को नमन करता आया है और आज भी अपने देश के सच्चे सैनिकों को नमन कर रहा है। जिलाध्यक्ष हरीश भसीन ने कहा कि कैंडल मार्च ही सैनिकों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। इस मौके पर मुख्य रूप से अजय अग्रवाल, प्रदेश मंत्री विपिन गुप्ता के अलावा संजय सहगल, शिवम गुप्ता, सुनील अग्रवाल, हरीश भसीन, संजय अहूजा, आकाशदीप अग्रवाल, इंद्रजीत गुलाटी, अनुभव अग्रवाल, अक्षय, रवि अग्रवाल, अमरीश अग्रवाल आदि मौजूद रहे। आज जनरल बिपिन रावत जी जो हेलीकॉप्टर क्रैश में शहीद हो गए थे, हम लोग व्यापार मंडल के नेतृत्व में उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए आए और मंडी चौक से कैंडल मार्च निकालकर अमरोहा गेट चौराहे पर आकर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दी। और बड़े दुख का विषय है, सभी व्यापारी बड़े निराश हैं क्योंकि वो देश के ऐसे शहीद सैनिक थे जिन्होंने कभी किसी को कुछ ना देखते हुए हर समय देश के लिए प्रयासरत थे और हमेशा संघर्षशील रहे। मध्य रूप में आपके लोग कितने लोग शामिल हैं? आज ये देख रहा होंगे आप, पूरा व्यापार मंडल शामिल है इस शोक सभा में और हम लोग उन जैसा सैनिक, आप ये देखो विदेश तक में भी उनकी इतनी अच्छी प्रेस कि आज लोग वहाँ विदेश तक में बैठे हुए भी उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि देश के लिए दे रहे हैं।